तो शाम हल्के के गांव भारीवास की एक युवती ने 2-3 माह पहले तो शाम स्थित एकेडमी में अज्ञात कारणों के चलते सुसाइड कर लिया था। युवती गरीब परिवार से थी, जिसके चलते ग्रामीणों ने पंचायत करके एकेडमी संचालक पर 11,000 रुपए गौशाला में दान करने व परिवार की आर्थिक सहायता के लिए 4,00,000 रुपए की राशि देने का सामाजिक दंड लगाया था, जिस पर संचालक ने 4,00,000 रुपए की सहायता दी थी। लेकिन युवती की मां शकुंतला ने ये राशि दान में देते हुए बड़ा दिल दिखाया है। आज भारीवास गांव की एक गरीब परिवार की महिला ने 4,00,000 रुपए का डोनेशन वनवासी कल्याण आश्रम को दिया है, और वो डोनेशन उसकी बेटी 23 साल की बेटी पिछले दिनों तोसाम की एकेडमी में सुसाइड जो किया था, तो ग्राम पंचायत भारीवास ने जिस लड़के की वो एकेडमी थी उसके ऊपर आर्थिक और सामाजिक दंड लगाया था। जब 18 तारीख को समझौता हुआ भारीवास गांव की पंचायत ने और धारवास की पंचायत ने समझौता किया, तो 4,00,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया था और 51,000 रुपए गौशाला को दिलवाए थे भारीवास की को। तो वो 4,00,000 रुपए परिवार की आर्थिक सहायता के लिए दिए थे पंचायत ने दिलवाए थे, हम लोगों ने दिलवाए थे, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार था। उसकी 2 बेटियां और हैं, 2 बेटे और हैं, और उसके लड़की जो एक्सपायर हुई थी उसके फादर जिसने सुसाइड किया था वो मजदूरी करता है। तो हमने ये सोचा कि इस परिवार को थोड़े संबल मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगी इन बच्चियों को, और आगे पढ़ाने में आगे बढ़ाने में ये पैसा लग जाएगा। परंतु उस लड़की की माताजी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसने ये कहा कि मैं इस प्रकार का जो ये पैसा आया है इस पैसे में से 1 रुपया भी अपने घर में नहीं रखूंगी, मैं चाहे मेहनत करूं मजदूरी करके मेरे बच्चों को पढ़ाऊं, मेरी बेटी तो चली गई, वो पैसा मैं किसी आश्रम में जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनकी रख रखाव के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनके भोजन के लिए मैं वो सारा का सारा पैसा दान करना चाहती हूं। तो आज उन्होंने बड़ी उदारता दिखाते हैं, क्योंकि देखो पैसे का मामला है, तो 4,00,000 रुपए बहुत बड़ी पूंजी है, 1 रुपया आज छूटता नहीं है। और उस लेडी की महानता हम देखे शकुंतला की, कि बहुत सिंपल लेडी और बहुत गरीब परिवार से, आर्थिक रूप से बिल्कुल टूटे हुए परिवार जिसको हम कहेंगे, घर में कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, पेड़ों के नीचे वो अपने दिन रात गुजारते हैं, ऐसी औरत ने ऐसा महान काम किया है, ऐसी औरत को साधुवाद। भगवान, इस प्रकार की औरत इस समाज में है तो ये संस्थाएं, ये सामाजिक संस्थाएं और ये समाज चल रहा है। मैं उस बहन जी को साधुवाद देता हूं, उसको बधाई देता हूं कि उसने अपनी बेटी भी खोई, और जो पैसा आर्थिक तौर पे उसको दंड के रूप में ग्राम पंचायत ने लड़के वालों को लगाया था वो पैसा भी उसने एक आश्रम में वनवासी कल्याण, जहां वनवासियों के बच्चे हमारे मेघालय में जो है, मणिपुर के बच्चे जो यहां बिहारी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 4,00,000 रुपए का वो राशि उसने आज आके यूं के यूं वनवासी कल्याण आश्रम की जो प्रबंधन समिति है उसको सौंप दी। तो मैं वनवासी कल्याण आश्रम परिवार की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से उस बहन जी को प्रणाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि इस प्रकार की सोच रखने वाली महिलाएं भी इस समाज में अभी हैं।